से बता देते हैं, जहां दो बच्चियों के साथ यौन शोषण के बाद बवाल की स्थिति बनी है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, स्कूल में तोड़फोड़ की है, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बद्रापुर मामले में SIT का गठन भी हो गया है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिए हैं। पुलिस ने अब तक मामले में स्कूल अटेंडेंट अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 17 अगस्त को लड़कियों के साथ बाथरूम में यौन शोषण किया था। अगले दिन 18 अगस्त को जब माता पिता को पता चला तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज भी किया। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया था, जिसके बाद मामले में SIT गठित की गई है। बदलापुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस मामले में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, स्कूल में तोड़फोड़ की है। देखिए लगातार जो कोलकाता में घटना हुई, उसके बाद इस तरह की घटनाएं और भी जगहों से हो रही हैं, लेकिन अब आक्रोशित हैं लोग। लोग एकजुट होकर इन समस्याओं से निजात चाहते हैं। दो बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण हुआ, उसके बाद सड़कों पर लोग उतर आए हैं। रेलवे इस पूरे मामले में ट्रेन रोकी जा रही है। देखिए रेलवे को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनें रोकी जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरी ट्रेनें भी रुक रही होंगी। और चलिए इस पूरे मामले में चूंकि स्कूल में ये घटना घटी है, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस मामले में क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ वो इसके 13 से 16 तक हुआ था, और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहां की जो सीनियर PI है उनको ट्रांसफर किया गया है। और ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे।